अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। सुबह के लिए 8:10 है और हमारी मेरा नाश्ता अंशा स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है। अंशा के लिए नाश्ता बन रहा है और साथ में बन रहा है मेरे लिए भी नाश्ता। आई मेरी बेटी नाश्ता बना रही है, अंडा फ्राई कर रही है, साथ में बन रही है चाय और ये अंशा के लिए ब्रेड बना रही है। लंच में लेकर लंच के लिए लेकर जाती हैं और ये अंशा का नया लंच बॉक्स ओरियो वाला, अंशा का नया लंच बॉक्स है ये ओरियो वाला है। इसमें लंच लेकर जाएंगे, लंच तो अपना पुराने वाले में ही लेकर जाएंगे और ये भी उनका आया है और ये से ये ब्रेड तैयार हो रही है, साथ में चाय है। और जी यहाँ पर कुछ ब्रेड फ्राई हो गई है, सब रेडी हो गई है इसका लंच बॉक्स। ये उसका अंडा और ब्रेड रेडी हो गया, हम जा रहे हैं अपने रूम में। और जी हम करेंगे अब नाश्ता, नाश्ते के बाद जो है फिर मैं अपने रूटीन में आ जाऊंगी। बच्चे अपने अपने काम पे जो भी होगा उनका, बेटी अपनी जो है वो सफाई वगैरह करेगी और मैं आज अपने कुछ कपड़े सिलाई करूंगी, वो मैं आपको सूट दिखाऊंगी। कुछ मेरे पास सूट है ब्रांड वाले, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उनको मेरे को स्टिचिंग करना है, उसके बाद उसको सिलाई करना है। तो ये है कि चले मैं नाश्ते से फारिग होती हूँ तो फिर मैं आपको आगे का व्लॉग दिखाती हूँ। नाश्ते से फारिग होके हमारा किचन भी साफ हो गया है, ये देखिए किचन का भी सारा काम हमारा हो गया। अंडे आए थे, अंडे रखने फ्रिज में, ये रात में हमने बनाए थे दाल चावल, ये हमारा दाल चावल बचा हुआ है, ये वाले बाउल में चावल हैं। और ये देखें किचन हमारा साफ है, घर की भी सफाई हो गई है ऑलरेडी सारी। ये मेरी बेटी का रूम है, ये भी पूरा साफ हो चुका है। ये अंशा की चेयर है, यहाँ अहमद रजा सो रहे हैं कैरी कोट में। ये देखें, ओ आप उठे हुए हो, अरे ये तो उठ गया। अहमद रजा, अहमद रजा कहाँ गए मेरा पप्पा। अच्छा जी ये इसको इसकी मम्मा को बताती हूँ अभी। और ये दूसरा रूम भी साफ हो गया हमारा। और ये हमारे तोते हैं, इन्होंने अंडे दिए हुए तो इनको हम ढक के रखते हैं, उनका भी दाना पानी जाएगा। ये दूसरा रूम, गैरली और ये गैरली में फैले हुए कपड़े। तो जी घर की सारी सफाई हो गई है और मैं आई हूँ किचन में पानी पीने। ये हम कूलर इसके ऊपर इसलिए रखते हैं कि इसे पानी आ जाए। पानी में पीकर आई थी, मेरे को कपड़े शिलिंग करने थे। ये मेरे पास ब्रांड का सूट आया है तेजी, बहुत अच्छा इसका फैब्रिक होता है, खोलकर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसका फ्रंट है, बहुत खूबसूरत है। ये जिनका सूट मेरे पास आया हुआ है ना, ये कॉलर वाले ही सूट पहनती हैं, तो मतलब इस पर जो पैनल बना हुआ है ना, वो पूरा पैनल जो है ना जचकर आता है। सिलने के बाद बहुत हसीन, इतना सॉफ्ट कलर है, इतनी प्यारी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। तेजी वालों के जितने भी सूट आए मेरे पास बहुत अच्छे आए, और जेड ओट के जितने भी आते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा फैब्रिक होता है, इतना मुलायम कपड़ा होता है, इतना पायदार कपड़ा होता है, ये काफ़ी चलता है। तो ये इसकी शर्ट थी, ये इसका जो है ट्राउज़र का कपड़ा है, ये भी बहुत प्यारा कपड़ा है ना, बहुत हसीन कपड़ा है ये। अच्छा एक सूट ये है और इन्हीं का एक सूट ये है मेरे पास, मतलब एक ही घर के कपड़े हैं, एक ही खातून के, तो ये भी बहुत प्यारा है। ये जेड ओट का है, खादी का कपड़ा है। देखिए ये भी फुल प्रिंट शर्ट है, प्रिंट में है, फुल दामन पट्टी है इसकी साइड में। ये इसका फ्रंट है, ये इसकी दामन पट्टी है। ये लगता है हाथ का जैसे चार सूती का काम होता है ना, वो हुआ हुआ है, लेकिन बेहद खूबसूरत काम है। ये इसका बैक है, बैक पे भी हल्की हल्की बूटी है और स्लीव्स के ऊपर बूटी है। और ये इसका साथ में ट्राउज़र है, पेंट पजामा जो वो पहनती है। एक ये सूट है बहुत खूबसूरत है, एक ये है, ये भी बहुत प्यारा है। और एक सूट जो है ये भी जेड ओट का है, ये मैंने निकाल लिया था पाउच में से, निकाल के रखा है क्योंकि शिलिंग करने जा रही हूँ मैं अभी इन कपड़ों को ना, तमाम कपड़ों को शिलिंग करूँगी उसके बाद ही सीऊँगी। तो ये देखें ये जेड ओट का है, ये बहुत प्यारा है। ये देखें इसका फ्रंट है, ये इसका पैनल है पूरा, इसमें भी जो है बोर्ड गला बनेगा। ये इसका बैक है, बैग पे कोई खास काम नहीं है, सिर्फ जो है ना ये उन्होंने बॉर्डर पट्टी दी है, वो भी अब ये है।
ये डाली भी हो रहा है। अभी भी ये सूट सिलेंगे ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी सिल के, और ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स भी फुल हैं। जे डॉट में ये बात अच्छी होती है कि इनके जो स्लीव्स आते हैं ना वो कम से कम 23 इंच के होते हैं बाजू, 23 से 24 इंच के, कि अपनी मर्ज़ी पे 3/4 बनवाएं आप, या आप इसको शॉर्ट करवा लें या इसको फुल करवा लें। तो जे डॉट में ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि ना जो नमाज़ पढ़ते हैं ना लोग, उनके लिए बहुत अच्छी वैरायटी है, और दामन भी बहुत चौड़ा होता है इसका। वैसे तो हर ब्रांड की अपनी खूबसूरती है, लेकिन इसमें ये बात अब तक बहुत अच्छी है, क्योंकि और जो दूसरे आते हैं ना उसके अंदर जो होते हैं ना स्लीव्स छोटे पड़ जाते हैं, तो फिर आगे ज्वाइंट देना होता है, तो फिर वो हमको भी मसला होता है और पहनने वालों को ये होता है कि बिल्कुल फ्रेश पीस होना चाहिए बगैर ज्वाइंट के, तो इस लिहाज से ये बहुत प्यारा होता है। चलिए मैं इनको शिलिंग करती हूँ। अच्छा जी, एक सूट ये मेरे पास और एक खादी का, ये भी इन्हीं के का है, इन्हीं के घर का है। दो चार सूट आए थे, 3 मैंने आपको दिखाया, एक रह गया था। ये खादी का सूट है, ये देखें, ये खादी का है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये अभी जो चल रहा है ना अभी वन प्रिंट में, बहुत अच्छा है इसका, ये सिल के बहुत अच्छे लगते हैं इनके ना डिज़ाइन वगैरह। सिर्फ इसके पास वन प्रिंट पे यही हुआ है, शर्ट ब्रेक और इसका स्लीव ब्रेक जैसे हैं, और इस पर सिर्फ इन्होंने ये बॉर्डर दिया हुआ है। ये आपको अपनी मर्ज़ी से लगाना है स्लीव पे, दामन पट्टी पे, या आपको जो भी डिज़ाइन डलवाना हो, देखिए इस तरीके से है। ये भी बहुत प्यारा है, इसके साथ जो है प्लेन पेंट पजामा है, ये इसका कपड़ा है, ये भी बहुत खूबसूरत है। खादी में दो वैरायटी होती है, एक लॉन पर होती है और एक थोड़े मोटे कपड़े पे, जो सर्दी विंटर सूट होते हैं ना वो भी इनके बहुत प्यारे होते हैं, और उनके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे 3D प्रिंट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। वो भी मेरे पास सिलने आते हैं, अब मौसम चेंज हुआ है तो वो सिलने आएंगे। अब जब भी सीट आया सूट आएगा सिलने तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और चलिए मैं अब इन सब सूटों को जो है ना शिलिंग कर लूँ, फिर उसके बाद जो आगे का ब्लॉग है वो शुरू करती हूँ। जी ये हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी, और मेरी बेटी बना रही है वेजिस पुलाव, ये उसने सब चीज़ें करके डाल दी है, क्योंकि मैं बाजार गई थी तो सारी सब्जी वगैरह लेकर आई थी, उसने कट वट करके कर दिया, और मैं लहसुन अदरक छीला था, ये लहसुन अदरक सब टेस्ट बनेगा, और लेकर आई थी मैं खाने के लिए मूली, ये देखिए रखी है, अभी वो सलाद बनाएगी, ये पिसेगा और ये कचरा जाएगा डस्टबिन में, ये कचरा फेंक दिया। हाथ को धो लेते हैं, ये अंशा का थर्मास वो स्कूल से आ गई है। अच्छा हम जा रहे हैं अपने रूम में, और मैंने करे थे कपड़े शिलिंग, तो मेरा एक सूट ये भीगा हुआ है अभी शिलिंग के लिए जो रखा था, और एक सूट ये मैंने करके डाला था तो ये सूख चुका है, ये हम उतार लेंगे एक सूट इसकी जगह और फैला देंगे। चले जी ये मैं रखती हूँ इधर चेयर पर, और ये वाला सूट जो है ये मैं करती हूँ इसको ना अभी रस्सी पर डाल कर आती हूँ। दो सूट जो थे वो मैंने शिलिंग करे, और एक ये ऑर्गेन्जा का सूट है जो मेरे पास लाइक लिया है ना, तो ये शर्ट तो मैंने अभी कटिंग करी है, अभी इसके स्लीव्स बाकी हैं, इसके दामन पट्टी है, देखें ये इसका फ्रंट है, ये जब सिल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर ना एप्ली का लेदर से लगाने हैं तो इसे समझ में नहीं आएगा। तो ये इसका बैक और फ्रंट है, और ये इसके स्लीव्स हैं, ये देखिए इसमें टसल्स लगे हुए हैं ना तो कपड़े में उलझ जाता है। ये देखिए ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स भी प्यारे हैं इसके, ये इसमें टसल्स लगे हुए थे, अमूमन मैं ज़्यादातर मैं खुद लगाती हूँ, लेकिन इनमें ये वहीं से लगे हुए आए हैं ये। तो ये इसके स्लीव्स है, और ये इसका पजामा है, तब ट्राउज़र का कपड़ा है, ये सिल्क का है, और जो इसके साथ अंदर का इनर आया है वो मलाई कपड़े पे आया है। चलें ये वाला मैं स्टिच करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और अभी हम खाएंगे दोपहर का खाना, उसके बाद फिर मैं सिलाई करने बैठूँगी। चलें जी खाना खाते हैं फिर। तो जी ये शाम के खाने की भी तैयारी हो रही है, दोपहर का खाना हमने बना खा लिया था, और मैं अपने कपड़े भी सिलने बैठ गई थी, वो मेरे थोड़े रह गए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी रेडी हो जाए वो सूट, तो ये मैं बना रही हूँ, बच्चियों का गोश्त है सीने का,
सीने का गोश्त है ये, मैं आलू गोश्त का सालन बना रही हूँ इसका, तो इसके लिए मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद जो है ये गोश्त इसमें डाल के भूनूंगी और सारे मसाले वगैरह डाल दूंगी इसके अंदर, उसके बाद आलू कट करके वो डालूंगी, हरा धनिया डालूंगी। तो शाम के लिए मेरा आलू गोश्त तैयार हो रहा है और रोटियाँ बनाऊंगी और साथ में करूंगी अपनी सिलाई, और अभी बनेगी हमारी चाय, वो मेरी बेटी बनाएगी। तो जी चले मैं इसमें ये गोश्त डालने जा रही हूँ। थोड़ी सी प्याज मेरी हल्की सी ब्राउन हो जाए उसके बाद मैं इसमें गोश्त डालूंगी, इसको फ्राई करूंगी। लहसुन अदरक मेरा ख़त्म हो गया था पिसा हुआ पेस्ट, तो वो मैंने अभी बनाया है। अब मैं इसको डालूंगी बोतल में, और जब तक मेरी प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाए फिर मैं इसमें गोश्त डाल के उसकी भुनाई करूँ अच्छी तरीके से। तो ये मेरी प्याज फ्राई हो गई थी और मैं इसमें गोश्त डाल के उसकी भुनाई करूँ अच्छी से भुनाई हो जाएगी। फिर इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन पिसा धनिया पीसी मिर्च हल्दी और गर्म मसाला। मैं खाने में हमेशा आखिर में डालती हूँ कि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सब्जी भी बहुत अच्छी आती है। तो गर्म मसाला और हरा धनिया में डाल के बस फिर डाल देती हूँ सालन जो भी बना। बहुत खाना ऐसा होता है जिसके अंदर गर्म मसाला साथ में भी डलता है वो भी डालती हूँ, पर आलू गोश्त में मैं हमेशा आखिर में डालती हूँ गर्म मसाला। तो चलिए जी अभी मैंने इसको भुनाई कर लिया है, फिर मैं मसाले डालूंगी जब गोश्त बनने पर आएगा, तो एक दफ़ा और भुनाई करूँगी, फिर उसके बाद आलू डाल के और बस इसमें जितना मेरे को शोरबा लगाना है वो मैं लगाऊँगी और मेरा सालन रेडी। उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। शाम की चाय बन रही है, एक तरफ मेरा सालन बन रहा है, अब हम चाय बन जाए चाय पियेंगे और अपना काम करेंगे। जो थोड़ा बहुत मेरा सिलाई का रहता है वो कंप्लीट करूँ, फिर आपको मैं अपना सूट दिखाती हूँ जो मैंने आज सिया है। गोश्त मेरा भुनने पे आ गया था, मैंने इसमें दही डाली है, अपनी डाल के फिर बनाई कर रही हूँ। अभी पानी है इसमें, दही डाला है ना तो दही ने अपना पानी छोड़ा है, जब ये भुन जाएगा इसमें आलू डाल दूँगी और फिर ऊपर से इसमें गर्म मसाला बढ़ा दूँगी। अब मैं इसकी अच्छी से बनाई करूँगी, सालन मेरा अच्छा सा बन गया, मैं इसमें डालूँगी आलू। एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई और एक हाथ से काम कर रही हूँ। चलिए हमारे आलू हो गए सारे, मैं आलू डाल के इसको भूनूंगी। गोश्त मेरा अच्छी तरीके से जो है ना गल चुका है, ज़्यादा करूँगी तो टूट जाएगा, तो बस अब मैं इसमें लगाऊंगी शोरबा। ये जो सीने का गोश्त होता है ना बड़ा लजीज होता है, ज़्यादातर मैं यही बनाती हूँ सीने का गोश्त। हड्डी वाला अगर खाना हो तो, क्योंकि इसकी हड्डी भी बहुत लजीज होती है। चलिए जी अब मैं इसमें लगाऊंगी शोरबे के लिए पानी डालूंगी, इतना मुझको इसमें रखना है कि हमारे यहाँ शोरबा भी ज़्यादा खाया जाता है सालन में ना रोटी के साथ, सबको ये होता है कि शोरबा। बस नहीं रखूँगी इससे ज़्यादा नहीं, इसी में आलू जो है ना गल जाएंगे और मेरा सालन रेडी हो जाएगा। चलें जी इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ, फिर हम खाएँगे खाना, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगी जो मैंने सोच लिया है ना वो। उसके बाद में फिर ब्लॉग ख़त्म करूँगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चले जी तो ये बन चुकी हैं अम्मी की रोटियाँ और अम्मी आई हूँ खाना लेने। तो अभी अम्मी रोटी बना के अपने हाथों में गई हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही शूट कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी। शादी वाला लग रहा है मुझे, रोटी समझ नहीं आ रही, खानी है मेरे साथ खाना, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको मैंने जो सूट किया है वो। फिर हम करेंगे अपने ब्लॉग का खत्म, चलिए बच्चे खाना खा रहे हैं, खाने के बाद मिलते हैं। तो ये रेडी हो चुका है मेरे सिला हुआ सूट, देखिए मैंने खा रही थी आपको, मेरा सूट कंप्लीट हो गया। बैक साइड
तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।